there are certain circumstances under which the ijara or lease agreement comes to an end or it is terminated in this presentation we will discuss the causes of termination of ijara contract first and the foremost circumstance under which the contract ज टर्मिनेटेड इज टर्मिनेशन बाई म्यूचुअल कॉन्सेंट अगर दोनों फरीक कॉन्ट्रैक्ट को बाहमी रजामंदी और म्यूचुअल कॉन्सेंट से टर्मिनेट और कैंसिल करना चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं यूनी लेटरली कोई पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकती उसकी वजह यह है कि इजारा कॉन्ट्रैक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक बाइंडिंग और नॉन टर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट है यूनिलेटरल टर्मिनेशन फोर्स मेजूर की सूरत में होती है फोर्स मेजूर का मतलब यह है कि एक्ट ऑफ नेचर या के ऐसी सरकमस्टेंसेज के विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फर्ज करें कि अर्थक्वेक है फ्लड है कोई और इस तरह की सूरत हाल के, के जिसमें एक शख्स का बिजनेस बिल्कुल तबाह हो गया है कि उसने कोई व्हीकल इक्विपमेंट उसने लीज पे लिया है कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है कि उसके लिए रेंटल्स देना बिल्कुल मुश्किल हो गया खास तौर पर हम इसमें फोर्स मेजूर का जिक्र करते हैं फोर्स मेजूर से मुराद एक्ट ऑफ नेचर या के वो कंडीशन के विचार बियॉन्ड दंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रेक्टिंग पार्टीज तो फोर्स मेजूर या के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी हैं उसमें भी जो लीज कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो जाता है एंड इट कम्स टू एन एंड इसी तरीके से अगर जो सब्जेक्ट मैटर है या वो जो एसेट है उसके अंदर कोई इस तरह का डिफेक्ट पैदा हो गया है विच इम्पेयर्स इट्स यूज के उसकी वजह से वो सब्जेक्ट मैटर या कि वो एसेट वो यूजेबल कंडीशन में नहीं रहा और वो उसकी कंडीशन ये है कि अब वो किसी तौर पर उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता यानी उसकी रिपेयर नहीं हो सकती उसे दोबारा यूजेबल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता तो इस वजह से भी जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है या कि इजारा कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाएगा इसी तरीके से अगर लीज एग्रीमेंट वो लीज कॉन्ट्रैक्ट इस तौर पर हुआ है कि उसमें किसी एक पार्टी ने अपने लिए कोई राइट या ऑप्शन रिजर्व किया है जिसको कि हम ख्यार जो है कहते हैं कि मतलब ये ऑप्शन या कि राइट टू रिवोक और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी पार्टी ने अपने लिए कोई इस तरह का कोई ऑप्शन या के हक अपने लिए रिजर्व किया है कि मैं तीन माह के अंदर या कि एक माह के अंदर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकूंगा और लेसर ने या के जो ऑनर है उस एसेट का उसने इस बात की इजाजत दे दी अब ये ऑप्शन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गया है तो वो पार्टी के जो के बेनिफिशियरी ऑफ ऑप्शन है यानी वो पार्टी के जिसने लिए, जिसने अपने लिए ये ऑप्शन रिजर्व किया है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकती है और बाय एक्सरसाइज ऑफ दैट ऑप्शन दैट पार्टी हैज द राइट टू कैंसिल और रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट तो ये मुख्तलिफ कंडीशन है जिनके तहत एक लीज कॉन्ट्रैक्ट एक या के मुआयदा किरादारी वो खत्म हो सकता है